रीवा से बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां पर एटीएस गोरखपुर प्रतापगढ़ की टीम रीवा पहुंची है। टेरर फंडिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी संगठन को मुहैया कराते थे फंड, सेमरिया से दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी एटीएस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रीवा से, जहाँ एटीएस गोरखपुर प्रतापगढ़ की टीमें रीवा पहुंची है। टेरर फंडिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के जुड़े संवाददाता सुशील चतुर्वेदी। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बात कर रहे हैं रीवा की, जहां पर टेरर फंडिंग के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? सुनील जी, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, एमपी यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे, रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत बीड़ा गाँव पड़ता है, यहाँ से एक युवक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। टेंडर फंडिंग मामले में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के दौरान इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। माना यह जा रहा है कि देश विरोधी आतंकी के संगठनों के लिए काम कर रहा था। इसके पास से कई बैंकों की पासबुक और एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ की जा रही है। इस युवक का नाम उमा प्रताप बताया जा रहा है, जो बीड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस सभी मामलों में इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, इससे पूर्व भी ये इसी मामले में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, तब उस समय पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे। और हालांकि कार्रवाई अभी भी जारी है सुनील जी, एटीएस यूपी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सुशील, कुल मिलाकर कहा जा सकता है बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हासिल हुई है। जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।